स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि जैसे ही हमारी वेबसाइट ओपन हो और हम सबसे पहले कौन सा पेज देखना चाहते हैं। जैसे कि अभी हमें सिर्फ ब्लॉग का पेज नज़र आ रहा है, तो अगर हम होम पेज को रखना चाहते हैं, अबाउट को रखना चाहते हैं, कॉन्टेक्ट को रखना चाहते हैं, किसी भी पेज को अगर हम फर्स्ट पे दिखाना चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले क्या, किस तरह से और कैसे सेट करना है। तो वेबसाइट जैसे ही हम ओपन करें, तो सबसे पहले आपने कौन सा पेज सेट करना है। फ्रंट पेज हमेशा जो होता है वो आपका होम पेज होता है, तो उसको सेट करने के लिए सबसे पहले आपने पेजेस को देख लेना है कि कौन सा पेज आपने कहाँ पे और किस तरह से सेट करना है। तो इट मीन्स कि ये मेरा होम पेज है। अब अगर मैं यहाँ होम पेज पर आती हूँ, तो यहाँ मेरे पास कोई भी डिस्क्रिप्शन नहीं है, कोई भी टाइटल नहीं है, कोई इमेज नहीं है, तो मुझे बेसिकली सबसे पहले होम पेज यहाँ दिखाना है कोर्सेज की जगह पे, जहाँ पे मेरे पास मल्टीपल कोर्सेज डिस्प्ले हो रहे हैं। तो होम को स्टार्टअप दिखाने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, आपने एडमिन साइड पे अपना जो एडमिन का फोल्डर है, आपने इस टैब पे जो ओपन करना है, वो इस तरह से आपने ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपने सेटिंग के ऑप्शंस में जाना है, ठीक है। ये डैशबोर्ड है और डैशबोर्ड में जो साइड बार आ रही है, यहाँ पे आपके सेटिंग का ऑप्शन होगा। सेटिंग ऑप्शन में आपके पास यहाँ रीडिंग ऑप्शन डिस्प्ले हो रहा होगा। अब ये जो रीडिंग का एक ऑप्शन है, आपने इस पर क्लिक करना है और यहाँ से आप अपने पेज को सेट कर सकते हैं। मतलब कैसे सेट कर सकते हैं, या आपने किस पेज को कहाँ पे सेट करना है। यहाँ आपके पास ऑप्शन आ रहा है योर होम पेज डिस्प्ले, आप अपनी पोस्टिंग को यहाँ पे डिस्प्ले करवाना चाहते हो या फिर आप स्टैटिक पेज को डिस्प्ले करवाना चाहते हो। तो यहाँ हम अपने स्टैटिक पेज को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपने होम पेज को सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट आपने यहाँ से होम पे क्लिक करना है और होम पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है। सेव चेंजेस पे क्लिक करने के बाद अब आप अपनी यूज़र साइट पे जाएंगे। यूज़र साइट पे आने के बाद आपने जिस पेज को रिफ्रेश करना है, और जैसे ही आप पेज को रिफ्रेश करोगे, तो आपके सामने जो डिफरेंट पेजेस हैं, जैसे आपकी वेबसाइट ओपन हो, तो ये आपको यहाँ पर डिस्प्ले होना चाहिए। अब हम न्यू टैब पे अपने वर्डप्रेस को ओपन करते हैं, जो भी हमारी ये वेबसाइट है। हम यहाँ लिखते हैं लोकल होस्ट। लोकल होस्ट लिखने के बाद आपने यहाँ अपने फोल्डर का नेम लिखना होता है। अब आपके फोल्डर का नेम जो भी हो, आपने वो यहाँ लिख देना है। जैसे कि मेरे फोल्डर का नेम ये है। नेक्स्ट इसके अंदर एक सब फोल्डर है और यहाँ पे नेक्स्ट मैंने इसको ओपन करना है। तो जैसे ही मैंने इसको यहाँ से ओपन किया, तो मेरे पास आप देख सकते हैं सबसे पहले होम पेज यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो होम पेज तो बेसिकली मेरे पास जैसे ही वेबसाइट में ओपन कर रही हूँ, मेरे पास आ रहा है। लेकिन ब्लॉगिंग के हिसाब से अगर मैं देखूँ, तो मेरे पास तो ये पेज आ रहा है, बट मेरा होम पेज तो सेट ही नहीं है। तो होम पेज को हम कैसे सेट करेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। लेकिन जैसे ही आपकी वेबसाइट ओपन होती है और आपको यहाँ से होम पेज ही मिलेगा, जैसे कि आप डिफरेंट वेबसाइट्स पे देखते हो, तो आपको सिर्फ इंडेक्स का पेज मिलता है, क्योंकि अब आपका लैंडिंग पेज होता है, तो आप वही पेज यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो एक मेथड ये वाला था, और सेकेंड मेथड आपके पास जो होगा कि आप दूसरे मेथड के साथ कैसे चेंज कर सकते हैं। तो आपने अपने अपेयरेंस के ऑप्शन में जाना है, ठीक है। मतलब आप डैशबोर्ड के पेज पे आओगे। डैशबोर्ड पे पेज आने के बाद आपने अपेयरेंस में, और अपेयरेंस के अंदर आपके पास यहाँ पे कस्टमाइज का ऑप्शन होगा। आप यहाँ से कस्टमाइज पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप पेज कस्टमाइज करेंगे, तो आपके सामने पेज रिफ्रेशिंग का ऑप्शन आएगा। तो जैसे ही पेज रिफ्रेश होगा, तो ये कस्टमाइज का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। जैसे ही आपके पास कस्टमाइज का पेज ओपन हुआ है, तो डियर स्टूडेंट्स, आप ये देख सकते हैं कि आपके पास कैसा प्रीव्यू डिस्प्ले हुआ है। इस प्रीव्यू में आपके पास होम पेज सेटिंग का एक ऑप्शन होगा, आपने इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ से भी अपनी स्टैटिक और योर लेटेस्ट पोस्ट को यहाँ से चेक कर सकते हो कि आपकी पोस्टिंग किस पेज पे है, होम पेज आपका कौन सा है, इंडेक्स पेज कौन सा है। तो यहाँ से आप इसको सेलेक्ट करने के बाद, जस्ट अब जैसे कि मैंने यहाँ से इसको सेलेक्ट किया है होम पेज, और होम पेज करने के बाद मैं जस्ट यहाँ से इसको पब्लिश करूँगी। जैसे ही मैं इसको पब्लिश करूँगी, तो मेरा जो होम पेज होगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये हमारे दो मेथड्स थे कि हम कैसे अपनी होम पेज को सेट कर सकते हैं, कस्टमाइज़ कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं।
होम पेज दो तरीकों से आपका सेट हो सकता है, एक सेटिंग के अंदर से जो आपने सेटिंग के ऑप्शन के अंदर जाना है, देन आपने रीडिंग और फिर वहां से आपने चेंजेस कर देनी है। नेक्स्ट आपका जो होगा वो आपने अपीयरेंस के अंदर क्लिक करना है। अपीयरेंस के अंदर जाने के बाद आपने यहाँ से कस्टमाइज के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद फिर आपने होम पेज सेटिंग कर देनी है। तो ऐसे आप अपने पेज को सेट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।